दून से आ रही है, जहां शासन प्रशासन केदारनाथ यात्रा मार्गों को तेजी से सुचारू करने में जुटा हुआ है। बद्रीनाथ केदारनाथ अजेंद्र अजय ने बताया कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण केदारनाथ पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अब केदारनाथ यात्रा के अधिकांश मार्गों की मरम्मत कर दी गई है। अब केदारनाथ पैदल यात्रा जोरों पर है और घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू कर दी गई है। अध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल कारण श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन 15 सितंबर के बाद यात्रा फिर से सुचारू हो जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार और मंदिर समिति की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ। केदारनाथ धाम में अतिवृष्टि आई, उसके कारण से जो केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग था वो कुछ स्थानों पर बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। इसके अलावा जो केदारनाथ मोटर मार्ग है वो भी कुछ स्थानों पर ध्वस्त हो चुका था, वॉश आउट हो चुका था पूरी तरीके से। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तत्परता के साथ में जो राहत और पुनर्निर्माण के कार्य वहाँ पर प्रारंभ किए गए, उसके चलते वर्तमान में जो पैदल मार्ग है वो तैयार हो चुका है और उस पर पैदल यात्रियों के अलावा घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। और जो यात्री वर्तमान में केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। हालांकि वहां पर अभी मौसम पूरी तरीके से अनुकूल नहीं है और वर्षा भी हो रही है, भी पैदा हो रही है, लेकिन जो हमारी निर्माण एजेंसियां हैं उन्होंने बहुत तत्परता के साथ में ये कार्य किए हैं और पैदल मार्ग को पूरी तरीके से सुगम कर दिया गया है, सुचारू कर दिया गया है।